डायरेक्ट वे से तो मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, डायरेक्ट वे से मैं एक जगह मैं फैमिली में काम करता हूँ, वहां से भी पैसा, फैमिली इन द सेंस वेदांतों में काम करता हूँ, वहां से भी पैसा कमा रहा हूँ। तो टोटल मैं 10 जगह से पैसा कमा रहा हूँ। कल को गलती से मैं कहीं कट भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी होगी, तो मैं कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। क्यों एक ही सोर्स रखे? मैं टीचिंग से पैसा कमाता हूँ, शॉर्ट वीडियो से पैसा कमाता हूँ, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाता हूँ। और बताओ, मतलब 10 सोर्सेज मैंने अपने साथ में पैदा कर रखे हैं। मेरे को हर जगह से पैसा आता है, और ऐसा नहीं है कि मेरे को ही पैसा आता है, मेरे साथ बहुत मेरी टीम है, उनको भी मैं पैसा कमा कमा के उनके 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 घर उनके घर पे उनको दे रहा हूँ, वो भी उससे अर्न कर रहे हैं। तो सिर्फ आप अर्न करते हो, बहुत सारे लोग भी अर्न करते हैं। और अच्छा, मेरे मेरे को बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन पूछा कि आप कितना पैसा कमाते हो। तो आपको बता देता हूँ, मैं आपको रेंज बता देता हूँ एग्जैक्ट, तो मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट हाँ अगर आप पर एनम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो एक रेंज मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कोई फिक्स चीज नहीं होती है, बट येस 50 लाख से 3 CR तक यू कैन अर्न। सो इस ब्रैकेट में आई एम अर्निंग। नाउ सवाल ये है कि क्या इतना ही अर्न करना है मुझे, मतलब 50 लाख से लेके 3 CR तक आई एम अर्निंग। नाउ नाउ मतलब एग्जैक्ट ब्रैकेट नहीं बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बस इसी ब्रैकेट में होगा।